चैप्टर नंबर थर्ड दिख रहे हैं एक्चुअली फ्यू स्टूडेंट्स है उनका ये वाला जो वीडियो का सेक्शन है वो कावर्ड नहीं है बेसिकली वीडियो एडिटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें एक सेक्शन और वीडियो जो है वो कंप्लीटली एडिट आउट हो गया था फाइन तो मैं एक अपडेटेड वीडियो uh, डाल रही हूँ और इसका जो पुराना वीडियो था ओरिजिनल वीडियो जिसमें सारा कावर्ड था उसके कॉमेंट सेक्शन में मैं ये लिंक पिन कर दूंगी इसकी ठीक है तो आप नाइसी वीडियो देखें ये जो अपडेटेड वर्जन है इसमें आपको लेफ्ट आउट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे एवरी वन वेलकम टू कारन क्रंच आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा दे कलेक्शन की टेक्निक्स के बारे में तो ये वीडियो लाने में कुछ टाइम लग गया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज फ्रॉम नाउ ऑन आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर तो डू तो स्टिक टू माय वीडियोस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब लाइक द तो वीडियो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और अगर आपको पसंद नहीं आता है यू कैन ऑलवेज डिसलाइक एंड मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन करेंटली हम अपना सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की बुक का ठीक है तो हमने uh, एक बार देख लेते हैं हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजीज और रिसर्च मैथडोलॉजीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन ये हमने कर लिया है ठीक है लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं अब आगे देखते हैं हम टेक्नीक ऑफ डेटा कलेक्शन ठीक है अब देखो डेटा कलेक्शन की कुछ टेक्निक्स हैं कि किस किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करते हो आप कौन कौन सा मेथड यूज करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए जिसको आप सोशोलॉजिकली एनालाइज करोगे अपनी सोशोलॉजिकल रिसर्च के लिए आप किस मेथड से डेटा कलेक्ट करते हो ये ये है ठीक है अब देखो जो आपको कलेक्ट करना है कौन सा मेथड आप यूज करोगे वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटा कलेक्ट करना चाहते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई uh, ऐसा मेथड चाहिए अगर आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो कि सर्वे बेस्ड हो फाइन तो आप क्या करते हो आप सर्वेस डिस्ट्रीब्यूट करते हो अगर आपको जैसे क्वेश्चंस ऐसे बोले जाए कि किसी चीज़ को रेट uh, करें ऑन स्केल ऑफ वन टू टेन ठीक है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो उसके लिए आप सर्वे मेथड यूज करोगे क्योंकि आपको ये टाइप का डेटा ज़रूरत है या अगर आपको सेंसेस कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होगा या आपके क्वांटिटेटिव मैथड्स आगे क्योंकि आपको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए जिस क्वांटिटेटिव डेटा को आप बाद में डायग्राम्स में टेबलेशन मेथड में या पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकूँ फाइन ऑन द अदर हैंड अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा चाहिए आप अगर आपने कहीं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का सुना होगा या आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़नी होगी आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ रिसर्च करना होगा तो वहां पे आपको क्वालिटेटिव डेटा चाहिए मींस आपको क्या वहाँ पे पता करना है आपको क्रिमिनल उनकी फीलिंग्स उनका बैकग्राउंड उन वो जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे के मोटिव्स तो आपको इन चीजों की जरूरत है तो इसीलिए आप क्वालिटेटिव डेटा यूज करेंगे जैसे आप इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज कर सकते हैं ठीक है तो जिस टाइप का आपका डेटा होगा अगर आपको कोई सर्वे टाइप जरूरत है तो आप सर्वे वो जो क्वालिटेटिव मेथड है वो यूज करेंगे अगर सॉरी क्वान्टिटेटिव यूज करेंगे अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा की जरूरत है जैसे आपको क्रिमिनल साइकोलॉजी जाननी है तो आपको उसके मोटिव एक्शन फीलिंग्स इन सब चीजों की जरूरत है तो आप एक क्वालिटेटिव डेटा यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू मेथड ठीक है तो आगे बढ़ते हैं जो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है डिपेंड ऑन फैक्टर्स वेदर द दे डेटा रिक्वायर्ड इज क्वान्टिटेटिव तो क्वालिटेटिव तो। फाइन क्लियर या हमें डेटा प्राइमरी चाहिए या सेकेंडरी चाहिए ये मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया प्राइमरी जो आपका फर्स्ट हैंड एंड सेकेंडरी जो ऑलरेडी आपका डेटा बना हुआ होगा वहां से आप डेटा कलेक्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो दैट मीन्स ऑलरेडी जो डेटा है वहां से कोई गवर्नमेंट uh, की जैसे गवर्नमेंट गैजेट्स हैं या गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे कोई इन्फॉर्मेशन है वहां से आप अपना रिसर्च जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो दैट मीन्स वो आपका सेकेंडरी डेटा हो गया ठीक है आगे देखते हैं सेकेंडरी डेटा जो है द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली डन रिसर्च ई गवर्नमेंट सर्वेज रिपोर्ट सोशल स्टडीज़ बाय अदर रिसर्चर्स, रिसर्चर्स एंड सो ऑन ये आपको इजी रेफरेंस देते हैं और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो दुर्खेम ने अपनी सुसाइड की स्टडी में ये डेटा जो है वो पुलिस स्टेशन से डेटा लिया था दैट मीन सेकेंडरी डेटा उन्होंने यूज किया था अपने स्टडी ऑफ सुड में जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में डेटा प्रेजेंट है को लेके वहां से अपना जो है डेटा उन्होंने कलेक्ट करा था अब वेरियस टेक्निक्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली कि किस टाइप का आपको डेटा कलेक्ट करना है और किस टाइप का आपको मेथड जो है उसी अकॉर्डिंग यूज करना होगा तो कुछ मेथड उसमें क्वेश्चन सैम्पलिंग फील्ड सर्वेज सेकेंडरी रिसर्च एंड सो सोवॉन सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो अब कुछ आ, देखते हैं हम कौन से आ, टेक्निक्स एंड डेटा कलेक्शन के एथनोग्राफी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी देखो ये तीनों जो टर्म्स हैं काइंड ऑफ सिमिलर हैं और कभी इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सक किया जा सकता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना एथनोग्राफी बेसिकली आपका रिसर्च मैथड है जिसके अंदर जो भी फील्ड स्टडीज की रिसर्च है सोशल सेटिंग में जो आप रिसर्चेस करते हो वो सारे इन्वॉल्व होते हैं तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो ये भी एक टाइप की फील्ड स्टडी है ठीक है आप ऑब्जर्व कर रहे हो सोशल सेटिंग में नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो फॉर एग्जांपल आप कोई कोई फेस्टिवल आपको किसी फेस्टिवल या किसी एक आ, इवेंट को स्टडी करना है तो आप जा रहे हो जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है तो वहां पे जाके आप उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आ, जो मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लेकिन ये किसका पार्ट है एथनोग्राफी का एथनोग्राफी में बेसिकली आप क्या करते हो सोशल सेटिंग में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर ये सारी टेक्निक्स आती हैं अब पार्टिसिट ऑब्जर्वेशन और फील्ड स्टडी में क्या डिफरेंस है देखो फील्ड स्टडी हुआ एज द नेम सेज फील्ड में जाके स्टडी करना फाइंड Find... आप फील्ड में ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ें तो चाहे आप पार्टिसिपेंट हो या आप नॉन पार्टिसिपेंट हो आप फील्ड ऑब्जर्व फील्ड स्टडी ऑब्जर्व कर रहे हो फील्ड स्टडी जो है वो यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो सारे किसके अंडर आ जाएंगे वो भी एक टाइप ऑफ फील्ड स्टडी है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये भी एक टाइप ऑफ क्या है फील्ड स्टडी इसमें जो रिसर्चर है वो खुद एक पार्टिसिपेंट बनता है उन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए फाइन तो जो थ्री टर्म्स है इथनोग्राफी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी है दे हैव वेरियस एलिमेंट्स इन कॉमन मैंने आपको क्लियर किया कर दिया ये समटाइम्स इवन यूज इंटरचेंजेबली ठीक है अब आगे देखते हैं क्या लिखा है जूडी पेन ने आ, लिखा था की कॉन्सेप्ट इन सोशल रिसर्च उन्होंने कहा इथ्नोग्राफी हाईली डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ पीपल इन सोशल सेटिंग्स लीड देयर लाइफ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड कॉन्वर्जेशन विद इन्फॉर्मेंट ठीक है अगर इसको दोबारा पढोगे वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लोग अपनी सोशल सेटिंग में कैसे चीजें कर रहे हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करना उसके लिए एक ब्रॉड टर्म एथनोग्राफी है जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स आ जाते हैं फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ गया चाहे आपका ये आ गया फील्ड स्टडी वगैरह आ गया ठीक है सो इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ सब्जेक्ट्स इन रिसर्च मेलनॉस जो था वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस रिसर्च इन सोशलॉजी और यूज करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को एंड फील्ड स्टडीज को एज ए टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है तो वो एथनोग्राफी के पायनियर्स थे वन ऑफ द पायनियर्स मेलनॉस और उसमें एथनोग्राफी में कौन सा मेथड उन्होंने ज्यादा यूज करा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडीज फाइन अब देखो फॉल रिलायबिलिटी ऑफ रिजर्स ऑब्जर्वेशन शुड बी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन नेचर एंड हेंस इट इज शो कॉल्ड एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अब जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको साइंटिफिकली करनी है आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको ले मैन या जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो आपके कॉलोनी के कोई ऐसे लोग होते हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो जिन जो सीसीटीवी काइंड ऑफ रोल प्ले करते हैं उनको पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं बेसिकली कॉलोनी में क्या हो रहा है वो कैरेक्टर ही ऐसा होता है उनको मजा आता है ये सब चीजें करने में ठीक है तो आपको वैसे सोशोलॉजिकल रिसर्च नहीं करनी यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग साइंटिफिकली आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है जो आप देख रहे हो कुछ चीजें आपको ओवर एनालाइज करनी होंगी कुछ चीजें आपको स्किप करनी होगी फाइन तो चीजें आपको साइंटिफिकली जो है वो ऑब्जर्व करनी है अब ऑब्जर्वेशन इट इज़ अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च विच इज प्रीडोमिनेटली यूज इन इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी कौन सा मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वेशन के कुछ टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ठीक है स्ट्रक्चर्ड जहां पे थोड़ा आपके प्री डिटर्मिंड ये क्वेश्चन होंगे या प्री डिटर्मिंड थिंग्स होंगी कुछ आपको पहले से पता होंगे कि आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हो कुछ एक स्ट्रक्चर बना होगा कि आप ये ऑब्जर्व करोगे ये चीज स्किप करोगे आपके पास ऑलरेडी एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क होगा अनस्ट्रक्चर्ड होगा बिल्कुल रॉ ऑब्जर्वेशन होगी आप फील्ड पे जाओगे और चीज ऑब्जर्व करोगे पार्टिसिपेंट जिसमें आप खुद एज पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे वहां जाके ऑब्जर्व करोगे कॉजी डिग्री ऑफ पार्टिसिपेंट आपकी जो पार्टिसिपेशन की डिग्री है वो कितनी होगी कितना आप पार्टिसिपेंट बनोगे किन चीज़ों में आप खुद को अलग रखोगे किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन लो डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन तो वो आपका पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हो गया ठीक है जितना आप कि जितना जितना बाद में आप कम खुद को पार्टिसिपेट करने लगोगे उन एक्टिविटीज में नॉन पार्टिसिपेंट हो गया बिल्कुल जैसे सोचो आप रूम के बाहर सुन रहे हो अंदर क्या चल रहा है ईव्स ड्रॉप कर रहे हो चोरी चोरी किसी की बात सुन रहे हो ये काइंड ऑफ वो नॉन पार्टिसिपेंट होता है कि आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो और आप अब बस ऑब्जर्व कर रहे हो क्या चीजें हो रही हैं तो पार्टिसिपेंट आप फुली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो कॉज आपकी डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन कम हो रही है नॉन तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अगेन जैसे आपका स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है एक आपका प्री डिटर्मेंट है एक आपका रॉ uh, बिल्कुल फॉर्मेट में वैसे कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड की किन ऑब्जर्वेशन में आप जो एक्टिविटीज है उनको आप किस हद तक कंट्रोल कर पा रहे हो या बिल्कुल आप नॉन कंट्रोल मैनर में वहां जाके चीजें देख रहे हो और आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल उनको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना चाहते हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मानो आपका फॉर एक्जाम्पल आपने कहीं पे कैमरा लगाया हुआ है वहां से जाके ऑब्जर्व कर रहे हो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो कोई इंटरवीनिंग मीडियम मीडिया है बीच में इंटरवीनिंग मीडियम है जैसे यही आपने सीसी लगाए हैं और वहां से आप बाद में देख रहे हो एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके हैं बेसिकली सेम ही चीज़ें बस इनको थोड़ा सा इन्हें कॉम्प्लिकेट करके अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं अदरवाइज काफ़ी सिंपल चीजें हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है इट रिड्यूसिस दी पॉसिबिलिटी दैट सब्जेक्ट्स विल नॉट टोटली गिव ऑनेस्ट अकाउंट्स ऑफ दे एक्सपीरियंसिस नॉट टेक स्टडी सीरियसली विल फेल टू रिमेंबर और विल फील एम्बेरस ठीक है तो ये इसके पॉजिटिव्स आ गए जैसे अगर आप इंटरव्यू मेथड में किसी को इंटरव्यू करते हो तो हो सकता है वो आपको सच नहीं बोले लेकिन जब वो एक्चुअली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो सच ना बोलने की अपनी एक्सपीरियंसिस की जो वो चीज है वो कम हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है Depending upon the issue in hand जो सो एंड सोशल फिनोमि वेरियस अप्रोचेज टू ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर एक्जाम्पल इन observe अब ये इन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है observer is a part of the settings settings ठीक है But interact नहीं करता है direct observation में बस देख रहा है interact नहीं कर रहा है In direct observation में वो intervening media जैसे क्लोज circuit कैमरा का यूज कर रहा है अब इसको मैंने आपका जो observation है ये ले मैन नहीं होनी चाहिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए तो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो प्रिफर्ड अलॉग एज डिपेंडिंग मेयरली अपन मेमरी इज अनसाइंटिफिक एंड अनरिलाबल क्योंकि आप सिर्फ चीजें देख के उनको याद नहीं रख सकते हो <clears throat> क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएंगे फिर आप कितना रिकलेक्ट कर पाओगे अपनी मेमोरी से उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो रिपोर्ट राइटिंग आपको साथ में करनी चाहिए हावेवर देयर कैन बी सर्टन लिमिटेशन टू दिस एक जो ऑब्जर्वर है कैन नॉट राइट अ रिपोर्ट इन एन इमोशनली चार्ज एनवायरनमेंट लाइक फ्यूनरल राइट्स अगर फ्यूनरल राइट्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी कम्युनिटी के वो फ्यूनरल अपना जो है ये सारी एक्टिविटीज कैसे ऑब्जर्व करते हैं तो वहां जाके डायरी पकड़ के लिखना ये सारी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है तो ये इसका ड्रॉबैक है थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ठीक है कितनी डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन है उसके अकॉर्डिंग uh, हमने ऑब्जर्वेशन को क्लासिफाई किया है कुछ चीजों में पहले हो गया आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सर्टन डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इज इनहेरेंट इन ऑल सोशलॉजिकल मेथर्स ठीक है कुछ डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन होती है जो ओवरऑल गोल है पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन का या फील्ड वर्क का इज टू लर्न अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटी अ टारगेट ग्रुप ठीक है आपको होल लाइफ ऑफ कम्युनिटी आपको सिर्फ कोई एक आस्पेक्ट नहीं देखना है वो आप इंटरव्यू मैथड से कर सकते हो आप एक ही चीज के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछ के कोई एक एमल जो है एक डायनेमिक्स अपना ऑब्जर्व कर सकते हो बट इफ यू वॉन्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल वे ऑफ लाइफ अबाउट हाउ दे कंडक्ट द कंप्लीट लाइफ आपको एक होलसम इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर दैट यू नीड ऑब्जर्वेशन मेथड और उसके लिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड काफी ठीक रहता है कंप्लीट पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट एज मतलब आपको नाम से ही लग रहा होगा कंप्लीट पार्टिसिपेशन जिसमें कंप्लीटली पार्टिसिपेट करेगा कंप्लीट ऑब्जर्वर जिसमें कंप्लीटली एज ऑब्जर्वर एक्ट करता है बिल्कुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है ठीक है और पार्टिसिपेंट एब ऑब्जर्वर क्या होता है जिसमें रिसर्चर जो है एज पार्टिसिपेंट बिहेव करता है एज पार्टिसिपेंट बिहेव करता है ठीक है तो वो खुद को फुल्ली इमर्स करेगा एक्टिविटीज में लेकिन कंप्लीट पार्टिसिपेशन से थोड़ा कम ठीक और ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट क्या होता है जिसमें रिसर्चर एज ऑब्जर्वर बिहेव करेगा तो खुद को फुली इमर्स नहीं करेगा ऑब्जर्वर की तरह रहेगा लेकिन जैसे कंप्लीट ऑब्जर्वर होता है उससे थोड़ा कम मतलब कुछ हद तक एक्टिविटीज में देखेगा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा लेकिन थोड़ा तो दूर दूर से और कंप्लीट ऑब्जर्वर जो होता है वो बिल्कुल ही सिर्फ ऑब्जर्व करेगा तो टू तो बी सक्सेसफुल जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है मस्ट एक्सेप्टेबिलिटी अमंग दी सब्जेक्ट ठीक है अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है अगर वो एज पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए उन लोगों में तभी वो पार्टिसिपेट करेगा अगर लोग नहीं चाहेंगे उसकी पार्टिसिपेशन तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर यहाँ पे आपके काम नहीं आएगी ये रिसर्च मैथड उसको लोग एक्सेप्ट भी करने चाहिए तो गेन करना ट्रस्ट इन चीजों में डिफिकल्ट टास्क हो सकता है एंड फेलियर टू डू सो लीड दी सब्जेक्ट्स टू बिहेव डिफरेंटली अब अगर वो ना चाहते कि ये पार्टिसिपेट करे तो वो नेचुरली एक्ट नहीं करेंगे वो इनडिफरेंट हो जाएंगे उस ऑब्जर्वर या उस पार्टिसिपेंट की तरफ मेलनास्की जो था वाइडली बिलीव टू हैव एस्टैब्लिश फील्ड वर्क एज द डिस्टिंक्टिव मेथड ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो मेलनास्की ने इसको क्या किया था वाइडली इस मेथड को यूज़ किया था इंडिया में ये बिक, बिकेम पॉपुलर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पे विलेज स्टडीज के फॉर्म में आप इसको जान आप ये सुनोगे आगे जाके एम एन श्रीनिवास का नाम आप सुनोगे इसमें ये हमें पेपर बी में पढ़ना है तो फेमस विलेज स्टडीज नाइनटीन फिफ्टीज में एस सी दुबे मजुमदार एम एन श्रीनिवास लेट द फाउंडेशन ऑफ फील्ड स्टडी इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है तो जो मेजर एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दे आर ये एक डिटेल्ड इन डेप्थ एंड होलिस्टिक व्यू देता है ऑफ द इवेंट्स फाइन क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको पहले भी कहा आप सिर्फ एक डायनेमिक जो है ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो आप इंटरव्यू मेथड से करोगे इसमें आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी क्योंकि आप कंप्लीट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हो सेकेंडली वन कैन अवॉइड एनी प्री कंसीव नोशन एंड कैन शेप हिज और हर रिसर्च एज द न्यू इन्फॉर्मेशन अराइव प्री कन्व नोशन आपको आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि जब आप आपके सामने एक्टिविटीज हो रही हैं तो आप उनको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इट अलाउस फॉर द करेक्शन ऑफ इनिशियल इम्प्रेशन अगर कोई प्री कंसिक्लूज हैं भी वो भी करेक्ट हो जाएंगे उन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो परमिट्स रिसर्च है टू ट्रैक चेंजेस इन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है आपको चेंजेस भी ट्रैक कर सकता है वो बाद में उसको कंटिन्यूसली और पीरियोडिकली अपनी वो इवेंट जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके एंड ऑल्सो टू सी दी इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन और कॉन्टेक्ट तो ये भी पता चल जाएगा डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से पता चल जाएंगी अब कुछ वीकनेसेस भी हैं बिगेस्ट लिमिटेशन इसकी वैलिडिटी है देखो वैलिडिटी होता है दो चीज़ें हैं जो आपको जो ठीक होनी चाहिए आपको एक अच्छी रिसर्च के लिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी यह आगे हमें डिटेल में पढ़ना है रिलायबिलिटी होता है कितनी बार अगर आप सेम सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे डिफरेंट मेथड से आपको सेम रिजल्ट आएगा और वैलिडिटी होता है किस हद तक आपकी रिसर्च वैलिड है कि आपका जो डिजायर्ड गोल था डिजायर्ड आउटकम था वो किस हद तक आपने अचीव करा है वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट एज देर इज नो हार्ड डेटा एंड रिजल्ट आर इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑनली ठीक है क्योंकि आपके पास कोई हार्ड डेटा नहीं है जो आप बोल सको कि हाँ ये डेटा हमें बोल रहा था हंड्रेड परसेंट ये चीज हो रही है और हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग भी हंड्रेड परसेंट आई है तो ये आपका वैलिड हो गया दैट मीन्स चीजें ऑब्जर्व जो आपका डिजायर्ड गोल था वो अचीव हुआ लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड डेटा नहीं है और रिजल्ट कंप्लीटली ऑब्जर्वेश के फॉर्म है इसलिए वैलिडिटी होना डिफिकल्ट है विलियम वाइट अप्रोच ऑफ रिसर्चर ऑफ अ रिसर्चर इज यूनिक अकॉर्डिंग टू विलियम वाइट अप्रप्रोच ऑफ ए रिसर्चर यूनिक होती है टू दैट रिसर्चर इट्स सेल्फ एंड कनोट बी रेप्लीकेड बाय अनादर रिसर्चर ठीक है क्योंकि हर जो मेथड है वो यूनिक होता है ऑब्जर्व करने में भी आप क्या चीजें दिमाग में रखोगे वो भी यूनिक है वो सब एक रिसर्चर के दिमाग में होती हैं और वो हर रिसर्चर की अलग होती हैं द ऑब्जर्वर मे डेवलप सिंपथी फॉर द ग्रुप रिजल्टिंग इन एन इमोशनल अटैचमेंट विद देम तो फिर उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा बायस्ड हो जाएगा अगर आपका इमोशनल फीलिंग अगर आप इमोशनली अटैच हो गए उस ग्रुप के साथ जिसको आप स्टडी कर रहे हो तो चाहे अगर वो ग्रुप कोई गलत चीज भी कर रहा है लेकिन आप उसको अलग अलग एंगल से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होगी क्योंकि अब आप में एक आपके ऑब्जर्वेशन में एक बायस आ चुका है और ये Human nature, आप किसी के साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मान लो पार्टिसिपेट रहे हो, कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कंज्यूमिंग है, है to, दोनों चीजों की प्रॉब्लम आ जाती है ये बहुत नैरो है इन स्कोप एंड फोकस एरिया इज टू स्मॉल एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंटरप्रिटर्स एबिलिटी ठीक है तो उस उसपे काफी ज्यादा तो रिसर्चर की काफी इसमें जैसे आप सर्वे मेथड है वो चाहे आप भी कर लो ठीक है आप अभी सोशोलॉजी के स्टूडेंट ही हो रिसर्च सर्वे में क्या करना है पैम्फुलस डिस्ट्रीब्यूट ही तो करने हैं लेकिन इस वाले काम में क्या है इसमें आपको एक, एक एक्सपर्टीज चाहिए लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए तो वो प्रॉब्लम आ जाती है तो इंटरप्रिटर्स एबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और जो फोकस एरिया वो भी स्मॉल क्योंकि आप कम लोगों की एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर सकते हो तो अगर आपको बड़ी चीज ऑब्जर्व करनी है वो आप इसमें नहीं कर पाओगे जैसे सेंसस रिकॉर्ड करना या कोई बड़े स्केल के सर्वेस वो सारे आप इस मेथड से यूज नहीं कर सकते हो ठीक है तो आगे देख लेते हैं टू काउंटर द वीकनेस एसोसिएटेड विद दिस मेथड इट हैज बीन सजेस्टेड दैट मोर डायलॉगिक फॉर शुड बी अडॉप्टेड दैट इज रिस्पॉन्डेंट एंड पीपल कैन मोर डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड द वर्क ऑफ द स्कॉलर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी रिकॉर्डिंग दियर रिस्पॉन्स एंड ओपिनियंस ठीक है लैंग्वेज में लिखा है कि इन्वॉल्व मतलब हो इन्वॉल्वेंट भी ऐसे कोई मोनोलॉग ना हो एक ही बोलता जाये, बोलता जाए 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 दूसरा सुनता नहीं आप जिनको रिकॉर्ड कर रहे हो जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके काम में होनी चाहिए सारी एक्टिविटीज में उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करो बाद में उसको कम्युनिटी की लैंग्वेज में जो भी आपको बाद में फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपका जो उनसे बात करने का ये है मीडियम है वो उनकी वर्निक्यूलर मीडियम होना चाहिए जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए बाद में आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो को ओपिनियंस तो काफी प्रैक्टिकल टॉपिक है आपको बताता है कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है कैसे आपको सॉरी आप, जो रिसर्च मेथड है क्या आपका होना चाहिए तो कॉजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट लेस है नॉन पार्टिसिपेंट है ऑब्जर्वेशन इज कम्प्लीटली डिटैच इट्स लाइक ईव ड्रॉपिंग ठीक है आप सुन रहे हो चोरी चोरी दूसरों की बातें हम ये क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे पार्टिसिपेंट मेथड कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड को ठीक है तो उसमें आ गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ गया कॉजी पार्टिसिपेशन आ गया और नॉन पार्टिसिपेशन आ गया आ गया आपका नॉन पार्टिसिपेशन तो ऑब्जर्वेशन डिटेच है लाइक ईव स्ट्रॉपिंग इट हैज लीज बायस क्योंकि आप उसमें उनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो बायस उतना उसमें आएगा नहीं तो लीज बायस है रिसर्चर खुद को अलग रखता है ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट्स को एज दे आर तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है उसमें आप नेचुरलिस्टिक सेटिंग में उसको ऑब्जर्व कर सकते हो तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इट इज हाउ एवर आर्ग्यू दैट द रिसर्चर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द कल्चर मे बी इनहिबिटेड इफ दे ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग ये इसका नेगेटिव है कि अगर आप उनको बिल्कुल ही पार्टिसिपेट ना करो तो आप उनको उस ज्यादा हद तक समझ नहीं पाओगे यहाँ पे ये लिखा है उनके एक्सपीरियंसेस को आप उतना समझ नहीं पाओगे अगर आप उसमें पार्टिसिपेट ना करो उनकी एक्टिविटीज में खुद से और सिर्फ आप चोरी चोरी उनको ऑब्जर्व करो और उसमें आपका थोड़ा एथिकल भी आ जाता है कि क्या लोगों को पता है आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जनरली ऑब्जर्वेशन मेथड में आ गए अगर आप पार्टिसिपेंटली पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्व कर रहे हो क्या उनको पता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो कि वो इस बात से बेखबर है फाइन तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं मॉडर्न सर्विलेंस मेथड जो है वो भी एज अ फॉर्म ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप जो है एम्प्लॉय कर सकते हो फाइन तो ये आपका ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी और एथनोग्राफिक क्लियर हो गया ऑब्जर्वेशन में हमने अलग अलग पढ़े डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ा हमने कॉजी पार्टिसिपेशन पढ़ा नॉन पार्टिसिपेशन पढ़ा ठीक है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के कुछ जनरल टाइप्स भी हमने पढ़े स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेंट कंट्रोल नॉन कंट्रोल डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये सारी चीजें इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करी विद एग्जाम्पल्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में ठीक है तो जो फोकस ग्रुप टेक्निक्स बेसिकली अगर आप इंटरव्यूज में कहीं बैठे होंगे या आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया होगा तो वहां पे जी होते हैं ग्रुप डिस्कशन का एक राउंड होता है उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है जो जीडी पास करेगा तो फोकस ग्रुप टेक्निक्स इज अ बेसिकली आपका एक जीडी तो जो मॉडरेटर होता है वो आपका रिसर्चर हो गया ठीक है वो आपका रिसर्चर होता है अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है अगर मॉडरेटर या रिसर्चर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे तो ये इसकी एक लिमिटेशन है ये नॉन पॉजिटिव रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि आप क्या करोगे ग्रुप डिस्कशन में हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो आप ऐसे लोगों को ज्यादा समझ पाओगे उनके मीनिंग मोटिवस को ठीक है तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नॉन पा रिसर्च है ये ये ब्रिंगिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव एन एक्सटेंसिव फ्री फ्लोइंग डिस्कशन रिलेटिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस ऑन ए पर्टिकुलर फोकस इशू ठीक इट इज लाइक अ ग्रुप इंटरव्यू रिसर्चर जो है मे एक्ट लाइक ए मॉडरेटर टू डायरेक्ट द डिस्कशन इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ रिसर्च रिसर्चर जो एज मॉडरेटर एक्ट करता है लेकिन अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो वो एक इसका नेगेटिव आ जाएगा आप यूजल प्रोसीजर है आप क्या कर सकते हो टेप रिकॉर्ड करो उन कॉन्वर्जेशन को बाद में उनको लेटर आप एनालाइज कर सकते हो इट अलाउ स्टिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ मोर नेचुरल मैनर इन केस ऑफ टेक्निक्स लाइक इंटरव्यूज ठीक है उससे ज्यादा नेचुरली आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो इंटरव्यूज में जितना ऑब्जर्व कर पाओगे उससे ज्यादा आप उनको फोकस uh, ग्रुप टेक्निक में यूज कर सकते हो ड्यू टू इट्स इंटरक्टिव नेचर एनी मिस अंडरस्टैंडिंग कैन भी क्लासीफाई क्लैरिफाइड एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स कैन भी इनक्रीज ठीक है क्योंकि इसमें सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह क्लैरिफाई हो जाएगी और वैलिडिटी जो है इसकी वो ज्यादा है डिजायर्ड गोल ऑब्जेक्टिव जो डिज़ायर गोल जो है वो अचीव करने का इसमें जो स्कोप है वो ज्यादा है इसका पिटफॉल क्या है अगर मॉडरेटर जो होगा ज्यादा एक्टिव बन जाएगा ही में डिस्ट्रैक्ट द ग्रुप एज पर हिज लाइक एंड एक्सपेक्टेशन मॉडरेटर किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है डिस्कशन को वो प्रॉब्लम हो सकती है फर्दर पार्टिसिपेंट्स में ऑल्सो रेस्ट्रेन दमसेल्स अगर मॉडरेटर ज्यादा एक्टिव है तो पार्टिसिपेंट्स भी थोड़ा अप्रेहेंसिव हो जाएंगे खुद को रेस्ट्रेन करेंगे तो ऑब्जर्वर बायस इसमें सिग्निफिकेंट है फोकस ग्रुप एक्सरसाइज में एज कम्पेयर टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ठीक है तो यहाँ पे लेट्स स्टॉप तो द लेक्चर अगर आपको पसंद नहीं आया तो थम्स डाउन का पसंद आया तो गिव अ थम्स अप और आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में कहा हेल्थ इशूज की वजह से आई आई कुडेंट कीप अप द पेस ठीक है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे